मैं दिलीप कुमार यादव, CMS ट्रस्ट एजुकेशन पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। और आज हम क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर जो है सेट्स, समुच्चय, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, सेट होता क्या है, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सेट का जो बैकग्राउंड है, मतलब कि सेट यूज़ कैसे हुआ सबसे पहले। तो सबसे पहले सेट जो नाम है सेट, इसको जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने यूज़ किया था, और उन्होंने अपनी कुछ डेफिनेशन बताई थी, लेकिन उनकी डेफिनेशन पूरी तरीके से सही नहीं हो पाई, कुछ उसमें कमियां आ गई थी, और इस वजह से उसका फिर से नया डेफिनेशन बनाया गया। तो देख, फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन है कि सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेट। तो सेट, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और सेट ऐसा कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का जो कि वेल डिफाइंड होते हैं। इसके सेट में जो भी एलिमेंट होते हैं वे वेल डिफाइंड होते हैं, और उनको हम डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट होता कैसे है सेट, सेट द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया इज सेट। सेट के सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं वो सब के सब वेल डिफाइंड होने चाहिए। कुछ अब वेल डिफाइंड क्या है और वेल डिफाइंड क्या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वेल डिफाइंड क्या है ये देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया इज सेट, मींस इंडिया में, हमारे देश में जितने भी नदी हैं उनका कलेक्शन कर लिया जाए तो वो सेट हो जाता है। और दूसरा है कलेक्शन ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वाबेल होते हैं उनका कलेक्शन भी सेट होता है। और सेट को यूजुअली हम, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एज ए बी सी डी ई ईटीसी। तो सेट को हम कैपिटल लेटर्स में डिनोटेड करते हैं। और पहला है उसमें एक और सेट आता है, एग्जांपल में सेट एन इक्वल 1, 2, 3। अब एन क्या है, सबको पता है नेचुरल नंबर ऑफ का सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन एज 1, 2, 3। और सेट को देखिए, जब भी रिप्रेजेंट किया जाएगा तो हम ब्रेसेस में ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इस ब्रेसेस में। अब सेट को, तो इसका अब सेट होता क्या है, सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, इंग्लिश वर्ड के कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी हो उस। और अब देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीके होते हैं, पहला होता है रोस्टर मेथड, दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। दो तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेट पहला जो है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड The element of sets are listed within braces and separated by commas. तो roster method में जितने भी element होंगे उसको हम क्या करेंगे, इस braces के अंदर comma लगा के लिखेंगे। जैसे कि A equal set, A equal A B C D, तो इसको हम braces में लिख लिए तो ये एक set हो गया। अब इस तरीके से दूसरा है E equal 2, 4, 6, 8, इस तरीके से कई सेट्स होते हैं जिसको, तो आसान भाषा में है कि रोस्टर मेथड को हम ब्रेसेस के अंदर कॉमा लगा के लिखा करते हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम ऐसे एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, हम इस तरह के जो सेट होते हैं हम एक ऐसी प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं जिसको सभी एलिमेंट होल्ड करें, और उसी प्रॉपर्टी को हम ब्रेसेस के अंदर लिख दिया करते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखिए, वी राइट द सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई ऑल एलिमेंट। हम किसी एक स्पेशल प्रॉपर्टी को लिखते हैं जो कि सभी एलिमेंट के द्वारा सेटिस्फाइड हो जाए। अब देखिए, जैसे कि ए है, ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स, मीन्स अब इसको पढ़ते कैसे, यहाँ पे जो साइन है डबल डॉट, इसको पढ़ते हैं कोलोन,
और पढ़ते ये होता है कोलोन का साइन, और पढ़ते हैं इसको सच दैट में यक्स, सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर्स। मीन्स यक्स क्या है, यक्स जो यक्स सभी जितने भी इसमें एलिमेंट हैं उसको डिनोट करने का एक वेरिएबल है, और इसको है क्या ये यक्स सच दैट, यक्स ऐसा है कि यक्स एक नेचुरल नंबर है, ये हो गया। अब इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एन, यक्स ऐसा है कि यक्स एन में बिलोंग करता है, और एन क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो आपको दिख रहा है साइन ये है अपसाइलन, और इस साइन का मतलब होता है कि अगर यक्स अपसाइलन एन मीन्स यक्स में जो भी यक्स जो है वो एन में कंटेन करता है, इस साइन का मतलब हुआ कि यक्स एन में कंटेन करता है। अब देखिए ये तो हो गया कि सेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बस इतना आपको पढ़ना है। इसके बाद में फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का आ गया है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कलेक्शन वेल डिफाइंड होता क्या है, कौन सी चीज़ें वेल डिफाइंड होती हैं और कैसी चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं हो पाती हैं। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज है, देखिए जैसे कि इसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, आपको बताना है कि क्या ये सेट है और सेट नहीं है। तो देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया में कितने इंटेलिजेंट प्लेयर हैं इनका कलेक्शन, और जो ये कलेक्शन होता है ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि हम ये फाइंड नहीं कर सकते कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन कम इंटेलिजेंट है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये कलेक्शन नहीं हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेल डिफाइंड नहीं हो सकते, जैसे कि ब्यूटीनेस, काइंडनेस, ये सब चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं हैं। तो इसमें फर्स्ट जो आपको बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज ए सेट, कौन कौन से इसमें सेट हैं, तो पहला सेट नहीं है, और इसमें एक और है द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, तो सभी ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन ये क्या होता है, ये वेल डिफाइंड है, तो ये क्या होगा ये सेट है। और इसी तरीके से एक और है द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन्स इन इंडिया, तो इंडिया में कितने रिच पर्सन्स हैं इसका कलेक्शन, और यह भी वेल डिफाइंड नहीं है। और दूसरा द कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स रिटन बाय एन ऑथर, एक ऑथर के द्वारा लिखा गया कितने बुक्स हैं उसका कलेक्शन, तो ये क्या है ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन से ऑथर ने कितनी बुक्स लिखी हैं। अब देखिए दूसरा का क्वेश्चन का पहला है, इसमें लिखा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय रोस्टर मेथड, तो एक सेट दिया गया है उसको हमें रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है। अब ये लिखा किस मेथड में गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है और हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टर मेथड में। तो एक क्वेश्चन लिखा गया यक्स सच दैट यक्स इज लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यक्स एक ऐसा अल्फ़ाबेट का नंबर है जो कि ई से पहले आता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई से पहले आने वाले जो भी लेटर हैं उनका कलेक्शन है। तो देखिए इनमें कौन कौन से हो सकते हैं, ए बी सी और डी, इतने जो लेटर्स हैं वो ई के पहले आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो इसको हम रोस्टर मेथड में इस तरीके से लिखेंगे ए वन इक्वल्स इन ब्रेसेस में ए बी सी डी, देखिए हमने सभी एलिमेंट को कॉमा करके इसी ब्रेसेस में लिखा है और सब कॉमा कर से सेपरेटेड है, तो ये हो गया आंसर ए बी सी डी। इसी तरीके से इसमें जो तीसरा इसी के दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है ए थ्री इक्वल यक्स सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, तो यक्स ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि छः से कम है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं वन से, और ये हैं कहाँ छः से कम हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था यक्स सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर्स लेस देन सिक्स, तो यक्स नेचुरल नंबर है और वो क्या है छः से कम है, तो छः से कम कौन कौन से नेचुरल नंबर हो सकते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो देखिए यहाँ पे लिखा ए थ्री वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब इसी में से एक और क्वेश्चन है, इसी दूसरे में से एक और क्वेश्चन है नंबर सिक्स यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इक्वल फोर यक्स इज ए रियल नंबर, तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिसका स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा और वो
रियल नंबर हो तो केवल दो नंबर हो सकते हैं, टू एंड माइनस टू, तो दोनों का कलेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कि इनका स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा, टू एंड माइनस टू ये हो गया फोर।